क्या ब्रेन ट्यूमर का इलाज हम दवाइयों से भी कर सकते हैं? रेयरली। ब्रेन ट्यूमर हमारे दिमाग के विभिन्न हिस्सों में हो सकता है, यानी कि दिमाग में भारी हिस्से में भी हो सकता है, अंदर वाले हिस्से में भी हो सकता है। कई बार जो एकदम छोटे ट्यूमर होते हैं और डीप सीटेड होते हैं, यानी कि दिमाग के बिल्कुल अंदरूनी इलाके में होते हैं, कई बार ऐसे ट्यूमर्स का इलाज रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी से किया जाता है, या टारगेटेड सर्जरी रेडियो सर्जरी कहते हैं, जिसको स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी कहते हैं। यूजुअली अगर ट्यूमर बड़ा है, 3 सेंटीमीटर से बड़ा है, या बहुत ज़्यादा ऐसे क्रिटिकल स्थान पे नहीं है, तो उसका जो फर्स्ट इलाज है वो सर्जरी ही है। जो डिक्टम है वो है मैक्सिमल सेफ रिसेक्शन, यानी कि जितना पॉसिबल हो सके उतना निकाल दिया जाए। पॉसिबल यानी कि जो हम दिमाग को और ज़्यादा डैमेज ना कर पाएँ, कोई ऐसी नस ना डैमेज हो जाए सर्जरी से, तो जितना बेहतरी से या सेफली हम उस ट्यूमर को निकाल पाएँ उतना निकालना होता है। अगर कोई ट्यूमर बच जाता है, कोई ट्यूमर का कारण, उसके लिए फिर फर्दर रेडियोथेरेपी देनी पड़ती है या कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। ऐसे में जान लें कि बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर बिनाइन होते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स उनको कहते हैं जिनको अगर एक बार हमने निकाल दिया, सर्जरी कर दी, तो वो दोबारा डेवलप नहीं होते और मरीज लंबी ज़िंदगी जीता है। ऐसे ट्यूमर्स में रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी भी नहीं देनी पड़ती। कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कैंसरस होते हैं, जो कि हम निकाल दें उसके बाद भी डेवलप हो जाते हैं, ऐसे मरीजों को रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। सिर्फ दवाइयों से ब्रेन ट्यूमर का इलाज संभव नहीं है। अगर बेनाइन ट्यूमर है तो उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, अगर कैंसरस ट्यूमर है तो भी सर्जरी करनी पड़ेगी, और सर्जरी के बाद उसको रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी। अगर कोई डॉक्टर आपको कहता है कि नहीं, मैं इस ट्यूमर का इलाज मैं दवाई से कर रहा हूँ, तो शायद वो ज्ञान नहीं है या आपको झूठ बोल रहा है। थैंक यू।